करौली में 7 सितंबर से 9 सितंबर तक आयोजित हुई अंडर 23 राज्य स्तरीय महिला व पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में भीलवाड़ा के केसरी नंदन व्यायामशाला टंकी के बालाजी की पहलवान मनीषा ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीत गोल्डन गर्ल का खिताब जीत लिया। भीलवाड़ा के कुश्ती प्रशिक्षक जगदीश चाट ने बताया कि केसरी नंदन व्यायामशाला की महिला पहलवान मनीषा मारी ने 59 किलोग्राम में नॉर्डिक आधार पर 5 कुश्ती के मुकाबलों में सबसे ज्यादा अंक अर्जित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया एवं इसी प्रतियोगिता में व्यायामशाला के ही पवन कुमार ने 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में तीसरा स्थान प्राप्त कर भीलवाड़ा को कांस्य पदक दिलाया। चाट ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भीलवाड़ा ने ग्रीको रोमन स्टाइल महिला वर्ग में ऑल ओवर चैंपियनशिप जीती व फ्री स्टाइल वर्ग में उपविजेता रहे। इस अवसर पर व्यायामशाला के संरक्षक राधेश्याम बहेरिया, नंदराम जाट, सुवालाल जाट, पार्षद धर्मेंद्र पारिक, पार्षद नारायण जाट, कुश कुमार छोटूलाल व सभी पहलवानों ने विजेता पहलवानों प्रशिक्षक जगदीश जाट को बधाई दी। सहकार भारती भीलवाड़ा की मीटिंग बालाजी मार्केट स्थित कार्यालय पर जिला अध्यक्ष किशन लाल बंसल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नवीन दायित्व की घोषणा की गई। यह जानकारी देते हुए नगर महामंत्री दुर्गालाल सोनी ने बताया कि सुभाष चेचाणी को जिला संगठन प्रमुख एवं राम नरेश विजयवर्गीय को भीलवाड़ा नगर संगठन प्रमुख मनोनीत किया गया। ये दोनों ही संयुक्त रूप से आस्था सुपर मार्केट की सह संभाल भी देखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हनुमान अग्रवाल ने सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 17 से 19 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में होगा। इस संदर्भ में राजस्थान संगठन समिति की मीटिंग 19 सितंबर रविवार को जोधपुर में होगी, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय पाचपोर का मार्गदर्शन मिलेगा। जिला महामंत्री बसंतीलाल मुंद्रा ने भीलवाड़ा जिले के सेवानिवृत्त सहकारी बंधुओं से संपर्क कर उन्हें सहकार भारती से जोड़ने का सुझाव दिया, जिस पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई। नगर संगठन प्रमुख राम नरेश विजयवर्गीय ने आगामी दीपावली के त्योहार पर सहकार भारती की संबंध संस्था आस्था सुपरमार्केट द्वारा बनाई जाने वाली मिठाई के वितरण केंद्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी ने सहमति व्यक्त की। जिलाध्यक्ष बंसल ने सभी वितरण केंद्र प्रमुखों को सहकार भारती के स्थापना दिवस 11 जनवरी पर पारितोषिक देने एवं सम्मानित करने की घोषणा की। शनिवार को चीरा कलेक्टर शिव प्रसाद एवं नकाते द्वारा पंचायत समिति सहाड़ा का निरीक्षण किया गया। वे ग्राम पंचायत भरक में पौधारोपण किया। वे घर घर जन औषधि के तहत औषधीय पौधों का वितरण किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय के तत्वावधान में स्काउट गाइड स्थानीय संघ प्रशिक्षण केंद्र सांगानेरी गेट भीलवाड़ा में आयोजित स्काउट यूनिट लीडर कब मास्टर बेसिक प्रशिक्षण शिविर के समापन पर डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर बाबूलाल जाजू के मुख्य आतिथ्य एवं शिक्षाविद गुमान सिंह पिपाड़ा की अध्यक्षता में सीओ स्काउट विनोद गारू, लीडर ट्रेनर राम अवतार सबलानिया, सहायक लीडर ट्रेनर प्रेम शंकर जोशी, हेमंत सोनी, बालूलाल कालिया ने जिले के विभिन्न स्थानों से आए प्रशिक्षणार्थियों को औषधीय पौधे वितरित कर औषधीय गुणों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। जाचू ने इस अवसर पर कहा कि स्काउटगढ़ पशु पक्षियों के मित्र एवं पर्यावरण प्रेमी होते हैं, अतः संपूर्ण जिले में 500 इको क्लब के माध्यम से इन औषधीय पौधों का महत्व जन साधारण को समझाते हुए उन्हें अपने अपने घरों पर औषधीय पौधे लगाने हेतु प्रेरित करें। इस अवसर पर स्काउट प्रशिक्षक कैलाश चंद दादीज, अशोक कुमार शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, राधेश्याम शर्मा, शिव कुमार धोबी, पोखरमल सैनी, अरवत्यार अली, गोपाल लाल टेलर उपस्थित थे। मांडलगढ़ में शिक्षा के मंदिर में स्थानांतरण होकर आई एक प्रधानाध्यापिका का पुष्प वर्षा के साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। विद्यालय को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। तहसील के श्यामगढ़ ग्राम पंचायत के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाध्यापिका पुष्पा अरोड़ा का छात्र छात्राओं व ग्रामीणों सहित स्टाफ के साथियों ने भव्य स्वागत किया। बाद में पुष्पा अरोड़ा ने विधि विधान से पदभार ग्रहण किया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को निखारना मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। पदभार ग्रहण करने पर इस तरह का स्वागत पहली बार देखने को मिला, जिससे शिक्षा जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। हुकुम घर आएंगे तभी कोरोना का टीका लगवाऊंगी, ये कहना है खोकरा गांव की नानी देवी का। इस पर उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी नानी देवी के घर पहुंचे और फोरी देवी ने अपनी पीड़ा उपखंड अधिकारी के समक्ष रखी। उपखंड अधिकारी ने नानी देवी को कुर्सी पर बिठाया और उनकी पीड़ा सुनी और हाथों हाथ टीकाकरण करवाया। वैक्सीनेशन के लिए दर्जनों भर गांवों का दौरा किया, जहां वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनियों सहित चिकित्सा स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
श्री गणेशोत्सव प्रबंधन सेवा समिति द्वारा केशव हॉस्पिटल रोड वृद्धा आश्रम अपना घर में रविवार को शुगर, घुटना दर्द व एक्यूप्रेशर शिविर रखा गया। इन बीमारियों को सुबह 9 बजे से 11 बजे डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल व डॉक्टर श्याम सुंदर पारिक देखेंगे। साथ ही श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धाश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर गोमूत्र से बनी दवाइयों के शिविर में 62 रोगी लाभान्वित हुए। इस शिविर में घुटना दर्द, सिर दर्द व कैंसर तक की दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। शिविर में डॉक्टर कृष्ण चंद्र शर्मा, राम नारायण सुमन ने सभी रोगियों को देख परामर्श दिया। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि सभी रोगियों को दवाइयां व परामर्श निःशुल्क दिया। इस शिविर में चितरमल अग्रवाल, लादूलाल माली व घनश्याम डार ने सेवाएं दी। संवत्सरी महापर्व जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व उपवास करके आत्मा के निकट रहने का अवसर देता है। आत्मा की आलोचना करने एवं तपस्या की अनुमोदना करने वाला पर्व है। जिनसे हम नफरत करते हैं, जिनके घर आना जाना नहीं है, उनसे हम जरूर क्षमा याचना करें, उनके घर पर जावे। यह पर्व जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। उक्त विचार तपाचार्य साध्वी जयमाला की सुशिष्या साध्वी चंदन बाला ने विशाल धर्म सभा में व्यक्त किए। साध्वी डॉक्टर चंद्र प्रभा ने कहा कि क्षमा मांगने एवं क्षमा देने का पर्व है। राग, द्वेष, क्रोध, मोह माया की जो परत लगी हुई है, उस परत को हटाने वाला पर्व है। प्रतिक्रमण से पूर्व हम सभी वचन, मन, काया से क्षमा याचना करें। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो क्षमा को एक पर्व के रूप में मनाता है। साध्वी आनंद प्रभा ने कहा कि मन, वचन, काया से अगर साल भर में कोई बंधन बांधे हैं तो उन्हें समाप्त करने का अवसर है। संभाव से सभी को क्षमा करें। साध्वी विनित रूप प्रज्ञा ने अंतरकड दशांग सूत्र जो पिछले 7 दिनों से चल रहा था उसको आज पूरा करके सभी श्रावक श्राविकाओं से क्षमा याचना